प्यारे बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का शेष भाग, जो पार्ट फाइव के रूप में है। रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपको इसके पहले चार पार्ट पढ़ा चुका हूं, तो आज हम सीखेंगे एक टॉपिक, जो टॉपिक है इंडिया इज ए सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एक्सप्लेन, संयोग से फॉर्चुनेटली इट इज ए क्वेश्चन इन योर एक्सरसाइज ऑल्सो एज वेल एज इट इज ए टॉपिक कंसर्न। यह आपके एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन भी है और साथ साथ आज का टॉपिक भी है। इन फैक्ट वी आर स्टडिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टॉपिक फॉर टुडे इज इंडिया इज ए सॉवरेन सोशलिस्ट Democratic Republic. It means we have to understand about the meaning of these four words. One, sovereign, two, socialist, three, democratic, and four, republic. It is a, in fact, आपको कई बार बताए होंगे, लेकिन आज इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव टू लर्न द कंसेप्ट ऑफ सोवरेन, द कंसेप्ट ऑफ सोवरेन। सोवरेन लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है फ्री। तो व्हाट डज इट मीन फ्री? इट मीन्स इंडिया इज फ्री फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल controls, no other country can dictate its policies or interfere in our internal affairs, internal affairs, people have supreme right to make decisions
तो देख पा रहे हो क्या कह रहा है। इंडिया इज फ्री फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब बाहरी, कोई विदेशी शक्ति, कोई हमारा जो इंटरनेशनल बाउंड्री है और इंटरनेशनल बाउंड्री के अंतर्गत दूसरे कंट्री हम पर किसी तरह का पॉलिसी बनाने के लिए और अतः किसी भी प्रकार के दबाव को, प्रेशर को एग्जर्ट नहीं कर सकता। वही कहता है इंडिया इज फ्री फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल कंट्रोल्स, यानी जैसे आप देखा आपने और आप पढ़ोगे हिस्ट्री में, बिफोर 1947 हमारा शासन ब्रिटेन से आता, ब्रिटिश पार्लियामेंट शासन कर रही थी हमारा, यानी वह जो पॉलिसी बनाती थी उस पॉलिसी को आपको मजबूरन फॉलो करना होता था। लेकिन आज जितनी भी देश, नियर अबाउट 205 कंट्रीज आर देयर इन वर्ल्ड, लेकिन आउट ऑफ दीज 205 यानी दो 204 कंट्री कैन नॉट इनफोर्स एनी लॉ टू आवर नेशन। तो यही कहता है इंडिया इज फ्री फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल कंट्रोल्स, नो अदर कंट्री कैन डिक्टेट इट्स पॉलिसीज। कोई मान लो चाइना अपनी पॉलिसी यहां लगाना चाहे, अमेरिका अपनी पॉलिसी भारत पर थोपना चाहे, तो वो हमें मंजूर नहीं, हम लोग नहीं करते, नहीं लेते। इसीलिए देखते हो कि कोई इसी तरह का कोई कमेंट होता है, तुरंत जो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वह तुरंत उस पर रिएक्शन देता है। विदेश यानी फॉरेन कंट्री के लिए हमारे यहाँ के स्पोक्स पर्सन होते हैं, आईएएस लेवल का पोस्ट होता, यही है कि इंडिया इज फ्री फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल कंट्रोल्स, नो अदर कंट्री कैन डिक्टेट इट्स पॉलिसीज और इंटरफेयर इन आवर इंटरनल अफेयर्स। दूसरा इसमें देख रहे हो, पीपल हैव सुप्रीम राइट, यानी जनता को पूरा अधिकार है, क्या कि क्या अधिकार है, टू मेक डिसीजंस और पॉलिसीज, यानी कोई भी नियम बनाने के लिए यहाँ की जो चुनी हुई सरकार है उसी को सिर्फ अधिकार है, बाकी किसी को नहीं। यही है कि हमारी जनता जो है यानी पीपल ऑफ द कंट्री इज ऑल इन ऑल, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपका कंट्री कैसे जो है सोवरेन है। अब दूसरा वर्ड सीखेंगे सोशलिस्ट, देखो ये कॉमन वर्ड है सोशलिस्ट। इन फैक्ट द वर्ड सोशलिस्ट इज डेराइव्ड फ्रॉम सोशलिज्म। सोशलिस्ट स्टेट को सीखेंगे कि हमारा देश सोशलिस्ट कंट्री कैसे। तो देख पा रहे हो कि द वर्ड सोशलिस्ट इज डेराइव्ड फ्रॉम सोशलिज्म, सोशलिज्म व्हिच मींस means all citizens, are socially and economically equal, socially equal in all respect,
इट इज ओके, यानी सोशलिज्म एक फिलॉसफी, तर्क है, दर्शन है, थ्योरी है, जिसका कंसेप्ट है कि सभी समाज के सभी लोग, देश के सभी समुदाय के लोग एक समान अधिकार रखता है। किसमें? तो आप देख रहे हो सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर, यानी जितना अधिकार इकोनॉमिकली अंबानी ब्रदर्स का है उतना ही अधिकार एक गरीब इंसान का भी भारत में है, राइट उतना ही है। तो यही कहता है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से हमारे देश में सभी लोग एक इक्वल हैं। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटी, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ क्रीड, दैट इज कॉल्ड सोशलिस्ट। और इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल्स ऑफ आवर कंट्री। यानी ये हमारे देश का एक प्रमुख सिद्धांत है, एक प्रमुख विचार है, प्रमुख थ्योरी है। तो यही कहता है इस तरह भारत, हमारे यहाँ भारत जो है वो सोशलिस्ट कंट्री है। तो मैं बताया कि द वर्ड सोशलिस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम सोशलिज्म, एक वर्ड है, खास करके जब डिटेल में पढ़ोगे तो एक्चुअली ये डेनमार्क से चला वर्ड, डेनमार्क से ये वर्ड आया और आज पूरे वर्ल्ड में ये वर्ड कंटिन्यू कर रहा है। विच मीन्स ऑल सिटीजन, इसका मतलब पूरा सभी लोग, सभी देश के अंतर्गत रहने वाले समुदाय आर सोशली एंड इकोनॉमिकली इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, सभी तरह से, सभी प्रकार से वह इक्वल है। तो इस तरह आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमारा भारत कैसे सोवरेन कंट्री है, कैसे सोशलिस्ट कंट्री है। और अब हम सीखेंगे तीसरा वर्ड जो है वह है सेकुलर। सेकुलर कैसे? सेकुलर, सेकुलर का मतलब पहले जानना। इट मीन्स रोज आए दिन तुम ये न्यूज में सुनते होगे सेकुलर और नॉन सेकुलर। तो सेकुलर मीन्स होता है धर्म निरपेक्ष, यानी किसी धर्म की विशेष प्रश्रय, विशेष व्यवस्था नहीं। इट मीन्स देयर इज There is no discrimination. There is no discrimination of the religions. Religions by the government, यानी सरकार की नजर में, सरकार और संविधान के सामने सभी धर्मों का इक्वल रिस्पेक्ट है। There is no discrimination. Discrimination का मतलब भेदभाव of the religions, किसी भी धर्म का, by the गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट जो है। मान लो देखोगे मोदी जी बाय रिलीजन हिंदू धर्म के फॉलोवर हैं, लेकिन ईद में भी उनका पेपर में विश आता है
क्रिसमस में भी उनका पेपर में विश आता है, या तुम्हारे ही स्टेट में देखोगे गवर्नर और मुख्यमंत्री सीएम हर ओकेजन में, हर स्पेसिफिक रिलीजियस ओकेजन में अपना मैसेज देते हैं। व्हाट डज इट मीन? इट क्लियरली शोज अबाउट द सेकुलरिज्म, यानी यह बताता है कि ऑल रिलीजन, इट मीन्स ऑल religions enjoy equal freedom, equal freedom in our country. यानी हमारे देश में सभी धर्म एक तरह से एक तरह की स्वतंत्रता एंजॉय करते हैं। बहुत सारे देश में देखोगे ये ऐसी व्यवस्था नहीं है, यानी आप आगे पढ़ोगे जब फंडामेंटल हुए, व्हेनेवर यू विल स्टडी अबाउट द फंडामेंटल राइट्स ऑन दैट टाइम सेम थिंग विल कम, राइट टू रिलीजन, इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑल्सो, यानी तुम्हें अधिकार होगा रिलीजन के बारे में, वी विल डिस्कस इन डिटेल ऑन दैट टॉपिक। यू कैन सी देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द रिलीजन्स बाय द गवर्नमेंट, सरकार चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसको कोई अधिकार नहीं है किसी धर्म विशेष पर प्रश्रय देने का। ऑल रिलीजन्स एंजॉय इक्वल फ्रीडम इन अवर कंट्री, हमारे देश में सभी धर्म का समान आदर होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रिलीजन व किसी एक धर्म को मानते हैं, लेकिन जब कोई धर्म दीपावली में भी उनका मैसेज आता है, क्रिसमस में भी उनका मैसेज आता है, ईद में भी उनका मैसेज आता है। व्हाट डज इट मीन? यही बताता है कि हमारा देश धर्म निरपेक्ष देश है, कोई धर्म की विशेष व्यवस्था नहीं है। नहीं तो हमारे यहाँ मैक्सिमम इसका बेनिफिट देखोगे तो क्या कि हमारे यहाँ नियर अबाउट 80% हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, वैसा होता तो रेस्ट जो अदर फोर रिलीजन है, सिख हैं, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, उसके साथ भेदभाव होता। तो इस कमी को दूर करने के लिए हमारे यहाँ किसी का कोई प्रश्रय इतनी संख्या में होने के बावजूद भी जो है, जो अधिकार हिंदू का है वही अधिकार मुस्लिम का है, वही अधिकार क्रिश्चियन का है, वही अधिकार सिख का है, वही अधिकार बौद्ध का है, वही अधिकार जैन का है। तो इस तरह हमारा देश सेकुलर देश है। ये भी तीसरा वर्ड क्लियर हो गया। अब आइए फोर्थ, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक यह भी वर्ड है। द वर्ड डेमोक्रेटिक हैज बीन derived from democracy. Which means, government is elected by the eligible citizens and administration
of the country. Of the country is carried on the carried on by the representatives of the country. तो देख पा रहे हो कि the democratic, the word democratic has been derived from democracy, which means government is elected by the eligible citizens. आगे पढ़ोगे इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आएगा, यानी जो 18 इयर्स ओल्ड है उसी को राइट है वोट कास्ट करने का, तो उसी को कहते हैं इलिजिबल सिटीजन्स. एंड एडमिनिस्ट्रेशन और देश का संचालन ऑफ द कंट्री इज कैरीड ऑन, चलाया जाता है बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री. यानी वी इलेक्ट एमपीज, वी इलेक्ट एमएलएज, एंड दैट इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएज runs administration for the state government as well as the central government for a fixed period of time, that is 5 years. Yani 5 saal ke liye hum log ek representative chun kar bhejte hain lok sabha mein aur state assembly mein, jahan woh रिप्रेजेंटेटिव आपके भलाई के लिए काम करते हैं. इसलिए अब्राहम लिंकन साहब ने डेमोक्रेसी की परिभाषा सबसे पहले और सबसे अच्छी परिभाषा उन्हीं की है, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. यानी प्रजातंत्र जो है जनता का शासन है, ऑफ द पीपल बाय द पीपल, जनता के द्वारा चुना जाता है. और किस लिए? और वो जो सरकार चुनी हुई सरकार है वो जनता के लिए काम करती है, ना कि पर्सनल काम करती है. जैसे मोदी जी देख रहे हो देश के लिए काम करते हैं, विदेश में भी जाते हैं तो ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया जाते हैं और तुम्हारे देश का नाम आगे बढ़ा रहे हैं. यही है तुम्हारा डेमोक्रेटिक कंसेप्ट. तो अब लास्ट बट नॉट लीस्ट हम डिस्कस करेंगे रिपब्लिक. रिपब्लिक लास्ट वर्ड हम लोग पढ़, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो होता है, इट मीन्स पहले लिख लेते हैं उसके बाद द हेड ऑफ द कंट्री, द हेड ऑफ द कंट्री दैट इज द प्रेसिडेंट. हमारे यहाँ उनको प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति कहा जाता है. प्रेसिडेंट इज एन इलेक्टेड पर्सन और इलेक्टेड हेड कर दो, पर्सन काट दो, इलेक्टेड हेड फ्रॉम अमंगेस्ट पीपल.
यानी कि क्या देख रहे हो कि अपने देश का जो संवैधानिक हेड होता है, रिपब्लिक का मतलब जिस दिन से आपका कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स में आया 26 जनवरी 1950, तो उस समय से देश का एक नॉमिनल जो होता है हेड होता है। तो नॉमिनल हेड जो है प्रेसिडेंट, वह जो है वह आपके समाज से यानी देश के लोगों में से ही चुने जाते हैं फॉर 5 ईयर। यही कहता है कि द हेड ऑफ द कंट्री दैट इज द प्रेसिडेंट इज एन इलेक्टेड हेड फ्रॉम अमंगस्ट पीपल फॉर ए फॉर द 5 ईयर्स, 5 वर्षों के लिए ये चुने जाते हैं। फिर अगर हो सकता है उन्हीं का इलेक्शन हो जाए, उन्हीं का सिलेक्शन इलेक्शन हो जाए, लगे पार्लियामेंट्रियन मेंबर्स को कि वह सुटेबल हैं, या तो उनको दोबारा चुनाया जा सकता है, लेकिन फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारा नहीं। लेकिन दूसरे कंट्री में ऐसी व्यवस्था नहीं है, वहाँ हायरार्की है। यानी जैसे ब्रिटेन, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया है, लेकिन ब्रिटेन में आज भी क्या है कि ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वह जो हायरार्की यानी वंश परंपरा के अनुसार महारानी का वंशज ही जो है वह वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है ना। हमारे यहाँ ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ 5 ईयर्स के बाद वो चेंज होते हैं और काफी रिस्पेक्टेबल पोस्ट है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी इनको बोला जाता है, भारत का प्रथम नागरिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकंड सिटीजन वाइफ ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो कितना सम्मानित पद है, कितना माननीय। कुछ ऐसे संवैधानिक पोस्ट हैं जिसको काफी ऑनर है हमारे देश में, जिसमें प्रेसिडेंट नंबर 1 है, सेकंड पोजीशन में गवर्नर ऑफ द स्टेट आते हैं। तभी बता सकते हो कि कौन है आपके प्रेसिडेंट, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, श्री रामनाथ कोविंद, जो तुम्हारे डीएवी से ही पढ़े लिखे हैं, डीएवी का प्रोडक्ट है। व्हाट डज इट मीन, यू शुड बी इंस्पायर्ड। तुम्हें भी इससे इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए कि अगर तुम्हें बिहार काफी डाउन टोडन परिवार से आते हैं, लेकिन आज देखो टॉप इंडिया के टॉप, उसी तरह पीजे भी थे, वो अभी भारत के प्रेसिडेंट रहे। तो ये सब अपने मेहनत के बल पे, अपने टैलेंट के बल पर वहां तक पहुंचे हैं। तो इन तुम लोगों में भी क्षमता है, तुम लोगों में भी इतनी कैपेसिटी है कि यू कैन बी होल्ड द हायर पोस्ट ऑफ इंडिया। इस तरह हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। और अंत में एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी बच्चों से कि जो बच्चे वीडियो देखते हो तो उसको सब्सक्राइब किया करो, ताकि हमें भी पता चले, हमारा भी मॉरली बूस्टअप हो, साथ ही साथ तुमको एक इन्फॉर्मेशन जा सके, जब मैं दूसरा वीडियो लोड करूँगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे को इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, kindly subscribe this video so that it can be helpful for me as well as for you. Have a nice day. Thank you.